अस्सलाम वालेकुम। ये हम कश्ती लेकर आए हैं, इस कश्ती पर हम इस घर के पास पहुँचे हैं और ये घर वाले भी मुंतज़र हैं हमें देखकर। हम इस कश्ती में इनके लिए ये खाना लेकर आए हैं। ये 5 देगें थी, 3 तकसीम कर दी हैं, 2 रहती हैं। 5वीं देग किधर है? उसके नीचे। अच्छा, उसके नीचे है, ठीक है। ये लोग हैं और हम इनसे पूछेंगे कि आपको पहले भी कोई चीज़ देने आया है यहाँ पर? तो जिस घर को अभी तक हमने खाना दिया है या कुछ भी दिया है, किसी भी किस्म का तावन किया, उनसे हमने पूछा कि आपको पहले कोई चीज़ मिली है, तो वो कहते हैं नहीं मिली। और उसकी वजह ये है कि ये राजनपुर से 80 किलोमीटर दूर है, दरियाए सिंध यहाँ पर मगरबी जानेब 2 किलोमीटर के फासले पर है। और ये जो 20 किलोमीटर का एरिया है ना, ये सारा जितना भी आपको नज़र आ रहा है, ये सब का सब पानी में डूबा हुआ है। और ये सारा ज़री इलाका है, यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की फसलें होती हैं, लेकिन इस वक्त ये लोग बेआसरा हैं। और अभी तक इनके पास ना तो कोई तंजीम आई है और ना ही कोई इदारा, ना कोई लोग। और उसकी वजह ये है कि ये देहात, जो करीबी देहात है जहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी मिलती हैं, उससे ये 30 किलोमीटर दूर है। और इसी तरह जो राजनपुर डिस्ट्रिक्ट है सिटी, उससे ये 80 किलोमीटर दूर है। तो आम लोग जो आते हैं वो देहातों में, जिस तरफ पानी नहीं है या थोड़ा बहुत खेतों में पानी खड़ा होता है, वहाँ पर वो सामान देकर चले जाते हैं। यहाँ तक अभी तक कोई पहुँचा ही नहीं है। अभी आगे जितने भी घरों में हमने अभी तक सामान दिया है, तो ये लोग इसी तरह बेआस रहे हैं। 10 दिन से लाइट नहीं है, वैसे भी इनके पास लाइट है ही नहीं, लेकिन ये लोग हैं असल मुस्तहिक जिन तक कोई पहुँच ही नहीं पाता। तो इस पैगाम को शेयर करें ताकि इस जगह पर, ये उमरकोट से 30 किलोमीटर दूर है, दरियाए सिंध के किनारे पर ये बस्तियाँ सारी जितनी भी हैं। तो अभी हमने इनका सर्वे किया, इंशाल्लाह नेक्स्ट इनको मज़ीद जो सहूलियात हैं, ज़रूरियात हैं, अशिया हैं, वो इंशाल्लाह आप अहबाब के तावन से हमें पेश करेंगे।